अरे वाह भाई वाह, ये सब क्या है? बेटा तुम किचन में, बाबरा को बता देती, वो तुम्हारे लिए जो भी दिल चाह रहा था बना देती। आज मेरा दिल चाह रहा था कि खुद खाना पकाऊं। अरे वाह, है तो जबरदस्त। तो फिर टेस्ट करके देखिए, नमक ठीक है? वाह भाई वाह, जायका है तुम्हारे हाथ में। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और ये सब भी माशाल्लाह। भाई मैं तो जरा नफल अदा करने जा रही हूँ शुक्राने के, आज इतने दिन बाद मेरे घर में रौनक आई। क्या बना रही हो? उनकी पसंद का कुछ। तुम शायद भूल रही हो, हैदर को देसी खाना बिल्कुल नहीं पसंद। कॉन्टिनेंटल पसंद है। मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और आपको उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पता भी था, मगर था। आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है। हैदर की पसंद अब बदल चुकी है और साथ साथ उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स भी। अरे एक्सक्यूज मी, मैं जरा हैदर के लिए तैयार हो जाऊँ। आने वाले होंगे ना वो? जानती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और आपको उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में पता भी था। आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है। हैदर की पसंद अब बदल चुकी है और साथ साथ उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स भी। हैदर की पसंद जरूर बदल सकती है पर दिल नहीं।
मैं रख दूँ। कुछ काम बीवियों के करने के होते हैं। फर्ज तो नहीं है। लेकिन रिवाज तो है। पुराना हो गया। कुछ रिवाज पुराने होके भी अच्छे लगते हैं। अरे क्या हाल है? चॉकलेट नहीं लोगी अंकल से? अंकल हाँ? चॉकलेट याद था मुझे, सॉरी। हाँ ये रही आपकी चॉकलेट्स। थैंक यू बोलो जल्दी से। थैंक यू अंकल। ऐसे नहीं, लो भाई एक और गर्वीदा हो गया है तुम्हारी स्वीटनेस का। अपनी बीवी के लिए चॉकलेट नहीं लाए? ये भी तो बच्ची है ना। ये किस किस्म का बेहुदा मजाक है मैम? तायनी ऐसा क्या कह दिया मैंने? इतना वाज़े डिफरेंस है दोनों की एज में। है तो मगर जहन मिलते हैं। हाँ बे, जहन तो मिलते हैं, दिल भी मिलते हैं, और अब साथ रहने से आदतें भी मिलने लगेंगी। जानते हो आज दिलनशीन ने अपने हाथों से तुम्हारा पसंदीदा खाना पकाया है। Really? मुझे पता नहीं था तुम्हारे अंदर एक मशर की लड़की छुपी बैठी। ओके आई थिंक अब ये फैमिली टाइम है, हमें चलना चाहिए। लेट्स गो बेटा, आ जाओ, कम ऑन। मैमल तुम भी इसी फैमिली का हिस्सा। उसे जाने तो, कमरे में काम होगा कुछ। बल्कि ऐसा करो तुम भी चेंज करके आओ, थके हुए आए हो, जाओ शाबाश। जी मैं मैं जाओ बेटा, तुम भी साथ जाओ, कमरे में जाओ। क्या बात है भाई, मतलब कुछ बदली बदली से लग रहे हो आज। तो बदलना चाहिए, सारी जिंदगी एक ही तरह थोड़ी गुजारी जा सकती है। अंदाजा नहीं था तुम इमैच्योर भी हो सकती हो। पता नहीं पहले से थी या अभी अभी हूँ, अंदाजा तो मुझे भी नहीं था। ऐसी रहना, अच्छी लगती है। छोटी सी लड़की, बड़े बड़े काम। छोटी नहीं हूं मैं, पूरे 21 साल की हूँ। हाँ, लेकिन मुझसे छोटी है, और बहुत छोटी। मुझे ये पता है कि शौहर हैं आप मेरे, खुद को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उस महमल के नहीं। सोच रही हूँ
हाँ, वो बस दिलनशी के बारे में ही सोच रही थी। बहुत डर लग रहा है अपनी गलतियों की वजह से कहीं वो अपना घर बर्बाद ना कर ले। अल्लाह ना करे अम्मी, हमारी दिलनशी में लाख बचपना से, लेकिन कोई भी बीवी अपने शोहर को किसी और का होता नहीं देख सकती। और जहाँ तक रही बुशरा आंटी की बात, तो उनकी बातों से तो मुझे यही अंदाज़ा हुआ है कि कोई और औरत है जिससे इनसिक्योर होके वो यहाँ आई। तो कैसे मुमकिन है कि हमारी दिलनशी उस औरत से इनसिक्योर ना हुई हो? वैसे ना पूरी उम्मीद है कि यही इनसिक्योरिटी हैदर भाई और दिलनशी के दरमियान की सारी दूरियाँ ख़त्म कर देगी। अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे। मैं यही चाहती हूँ कि वो अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे। आमीन, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, परेशान ना, सो जाएं अब। Smells good. ये बाकी इसने बनाया? बेबी बिल्कुल इसने बनाया, बहुत मेहनत की है। वाह, क्या खुशबू है। नहीं नहीं नहीं, वो खराब नहीं करूँगा, डायरेक्ट खाना खाऊंगा। अच्छा खाना तो शुरू करो, ठंडा हो रहा है। मेहमान आ जाए फिर खा ले। बेटा वो अपने बच्चे के साथ है, मसरूफ होगी। माँ वो मेहमान है ना, तो अच्छा नहीं लगता। नूरी, नूरी। जी बेगम साहब। महमिल बीबी को खाने का बताया था कि खाना लग गया? जी बेगम साहबा, मैंने कहा था उन्हें। अच्छा अब जाके उनसे कहो सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आए। जी अच्छा। अपनी भूख खराब नहीं करूंगा, आपको फदा। भूख लग रही है? खाना नहीं खाया तुमने, कैसे हो तुम? मम्मा मम्मा भूख लग रही है। बस अभी चलते हैं बेटा डिनर के लिए। इतनी देर से बोल रही है, कब चलेंगी आप? भूख लग रही है मुझे। सभी चल रहे हैं। बाजी, बेगम साहबा ने आपको खाने पे बुलाया। हैदर साहब आ गए टेबल। जी जी, और दुल्हन बीबी भी मौजूद है। चलो बेटा डिनर के लिए चलते हैं, कम ऑन। आप तो ऐसे जा रही हैं बाजी जैसे किसी जंग पे जा रही हैं। जंग ही तो है, और इस जंग से मैं अपनी ही बेवकूफी की वजह से दस्पतार हुई थी। बस यूं समझ लो, जीता हुआ जंग का मैदान छोड़ के गई थी मैं। बस देखती जाओ, सॉरी ताई अम्मी, ये तबीयत ठीक नहीं थी, चक्कर से आ रहे थे, मैं लेट की थी। क्या हुआ? मुझे लगता है मेरा पैर टूट गया है। अरे प्लीज हाथ मत लगाओ, बहुत दर्द हो रहा है। सुनो मैं इसे अस्पताल लेके जाती हूँ, चलो उठो बेटा। मैं ले जाता हूँ, वहाँ पे भी 10 काम होंगे। एक मिनट वेट मत देना, वेट मत देना। सही, उस पाँव पे जोर मत दो ना। डोंट वरी बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं हूँ इसके पास। चलो 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 जाओ, तुम भी जाओ साथ।
जाओ ना, जाओ बेटा, चलो साथ जाओ। बस बेटा, बस मामा ठीक हो जाएंगे, आओ मेरे साथ, आ जाओ, आओ। रिलैक्स। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। इट्स ओके, पैर पे जोर मत दो, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, बस यहाँ तक, वो सामने गाड़ी खड़ी है। मुझे लगता है मेरा पैर टूट गया है। अरे यार, कुछ नहीं होता है, ध्यान से। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। बस, दो मिनट, वजन मेरे हाथ पे दो ना, चलो। दरवाजा खोलो, यहाँ ध्यान से। याद है पुराने घर में जब मैं सीढ़ियां धोते धोते फिसल के गिर गई थी, तो टैक्सी के आते आते दोबारा गिर गई थी। याद है मुझे, सीरियसली। अच्छा चलो, ओके, थैंक यू। क्या हुआ? वो अम्मी कह रही है कि मैं भी साथ चलूंगी। हाँ, पर पता नहीं कितनी देर लगती है हॉस्पिटल में। तुम घर पे रहो, खामा खामा परेशान होगी, और हो सके तो खाना खा लेना, ठीक है? मैं देखता हूँ। दादी आपको अपने हाथ से खिलाएंगी थोड़ा सा, ये लो, शाबाश। अरे हमने एप्रन तो रखा ही नहीं, ये लो भाई, एप्रन रखो अपने पास ताकि गिरे नहीं, आपके कपड़े नहीं खराब हो, वरना मामा कहेंगी कपड़े क्यों गंदे कर लिए मेरी बेटी ने। ये लो, आ रही है, अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में। ये लो बेटा, तुम क्यों वापस आ गई? लेकर नहीं गए तो जिद करनी चाहिए थी ना तुम्हें। मैं जिद कर भी लेती तो मनवा नहीं सकती थी, यही वीकनेस है मेरी। अच्छा चलो, आओ बैठो, खाना खाएं। नहीं, आप लोग खाएं, मैं उनका इंतजार करूंगी। भाई मुझसे तो ज्यादा सब्र होगा नहीं, मैं तो ठहरी शुगर पेशेंट। ये लो बेटा, एक थोड़ा सा, शाबाश। अब मामा खुश होंगी कि मेरी बेटी ने खाना खा लिया, शाबाश। अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में, ठीक है ना? मुझे तो लगता है कि मेरा पाव टूट गया। तो मुकम्मल मोहताज हो गई हूँ तुम्हारी। डोंट वरी, बस हॉस्पिटल आने वाला है, रश कुछ ज्यादा ही है आज। सुनो। सुन रहा। भेंग तो नहीं दोगे? क्या? मुझे भेंग तो नहीं दोगे ना? अमल, क्या बातें करती हो? कैसे कर लेते हो? क्यों लड़ते हो अपने आप से? थकते नहीं? किस बात की थकन और कैसी अजियत? अपने आप से लड़ाई,
अपने जज्बों का कत्ल करते हो नाम नेहाद शादी के लिए? बहुत देर हो चुकी है मैम। कोई देर नहीं, मुझे देखो, एक बेटी के साथ तुम्हारे दर पे पड़ी। मान लिया मैंने, गलती हो गई थी मुझसे, अब और क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? निकाह। नमल, जैसे जिद करके तुमने अनसब से शादी की, उसी तरह जिद करके तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। अनसब से जिद करके शादी की, तुमसे इल्तिजा करके करना चाहती। तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हें उसके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी मोहब्बत की हरारत की वजह से ही तो जिंदा हूं। जानती हो, एक औरत किसी मर्द को सबसे ज्यादा मुश्किल में कब डालती, जब वो अपने सारे साजो सामान के साथ उसकी गुफ्तगू, उसका अंदाज, उसका हुस्न, सारे हथियारों से लेस होके आती। तो खुदा के वास्ते मुझे किसी मुश्किल में मत डाल। एक्चुअली तुम मेरे नसीब में थी नहीं, और जो मेरे नसीब में है वो इस वक्त घर पे अपने हुकूक को फराइज संभालते हुए पूरा टेबल सजा के बैठी। एक बार उससे बात करके तो देखो। मैमल, मैं ये जहर नहीं पीऊंगा। जिंदगी में कुछ जहर के घूंट ऐसे होते हैं जिन्हें पीने से इंसान मरता नहीं, जी उठता है जिंदगी भर के लिए। तुम भी ये जहर का घूंट पी लो, मेरी इल्तिजा है तुमसे, प्लीज हैदर। हॉस्पिटल आ गए। दिया जा सकता है, इससे इनको काफी आराम मिलेगा। हाँ, आप लगा दें पेन किलर, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है, मैं वार्ड बॉय के बीच बताऊँ। हैदर, तुम घर चले जाओ, इंतजार हो रहा होगा ना तुम्हारा। अब इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ तुम्हें? जानती थी मैं तुम मुझे छोड़ के।
बेगम साहिबा, बीवी जी खाना नहीं खा रही, कह रही है कि साहब आएंगे तभी खाऊंगी। साहब जी तो अपनी बीवी को भुलाए बैठे। अच्छा तुम जाओ। दिलनशीन का फोन है। माँ की कॉल है। गुस्सा होंगी तुम पर। जी माँ। कहाँ हो मियाँ साहबजादे? यहाँ घर पे कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एहसास है तुम्हें इस बात का? जी बिल्कुल है। एक्चुअली ड्रिप लगी है, मैं बिल्कुल इस हालत में छोड़ के कैसे आऊँ? हाँ उसे तो तुम कहीं भी कभी भी नहीं छोड़ सकते, ये छोड़ने का फरीजा तो वो बहुत पहले अदा कर चुकी है। लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, तभी तो भुलाए बैठे हो। नहीं खैर, कुछ भी नहीं भूला मैं। ड्रिप खत्म होती है तो आता हूँ, डोंट वरी। ओके तक बहुत दर्द है। कोई नहीं, डॉक्टर्स ने दवाइयां दी हैं, यू विल बी फाइन। गलती हो गई, व्हीलचेयर ले लेते हैं। इस पे जोर मत देना। कैसे जाऊंगी? बकवास। स्पेयर पे वजन मत।
आराम से ईशल सो गई आई थिंक। रहने दो, हैदर के होते हुए मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। एक मिनट, इधर खाना ले आओ। मैं मिलके अकेली नहीं खाऊंगी, मैं तुम भी मेरे साथ खाओगे? हाँ, मेरा भी ले आओ खाना यहीं पे। एक सबर। इंसान भी कितना अजीब होता है ना, अपने नुकसान का अंदाजा नुकसान उठाने के बाद ही होता है उसे। जिंदगी के कुछ खसारे ऐसे होते हैं जो कभी भी नहीं भर पाते। तुम्हारा प्यार मेरे लिए कभी खसारा हो ही नहीं सकता। वो बीबी जी साहब ने खाना मंगवाया है। साहब ने मंगवाया है तो फिर ले जाओ। बीबी जी आप खाना खा ले, साहब तो महमल बीबी के साथ खाना खा रहे हैं। फिर जल्दी ले जाओ खाना, उनके इंतजार को ज्यादा तोल मत दो। जी।